नमस्कार, खाना किशोरी किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम बनाएंगे तिल वाली मिर्ची। इसके लिए हमने 100 ग्राम मिर्ची ले ली, उनको अच्छे से धो के साफ कर लिया है। इसके लिए हमें 1 चम्मच तिल चाहिए और 1 चम्मच राई, और आधा नींबू। मिर्चों को हम बीच में से कट कर लेंगे और इसको हम बिल्कुल अलग नहीं करेंगे। मिर्चें ऊपर से जुड़ी रहेंगी और आगे से इनको 2 हिस्सों में कट कर लेंगे। इस तरह से बिल्कुल अलग नहीं होनी चाहिए। अब हम कढ़ाई गरम करेंगे और उसमें 1 टेबलस्पून सरसों का तेल, या आप जो भी तेल खाना चाहें, गरम करें। और उसके अंदर आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच राई डालें। इनके तिलकने के बाद इसमें हम डालेंगे तिल। तिलों को हम थोड़ी सी देर के लिए हल्का सा रोस्ट करेंगे, फिर हम इसमें डाल देंगे मिर्ची, कटी हुई मिर्ची को थोड़ा सा भूनेंगे। थोड़ा सा पकाने के बाद इसमें हम डालेंगे नमक, हल्दी और धनिया पाउडर। इन तीनों चीज़ों को हम इसमें डालेंगे। और इसको पकाएंगे 1 से 2 मिनट तक। इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जल्दी ही पक जाती है। अब इसको हम 2 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे और 2 मिनट के बाद हम देखेंगे हमारी मिर्ची तैयार है। हम इसके ऊपर आधा जो हमने नींबू लिया था उसके रस को डाल देंगे। नींबू को डालते ही हम इसकी ढक्कन को एकदम से लगा देंगे। उससे क्या है, हमारी मिर्ची सख्त नहीं होंगी, एकदम सॉफ्ट रहेंगी। और ये देखिए हमारी मिर्ची तैयार है। इसको रोटी के साथ, परांठे के साथ, किसी भी चीज़ के आप सर्व कर सकते हैं। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद।